दीक्षा क्या है? यह भारत सरकार का स्कूली शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और भारत के सभी राज्यों में उपयोग के लिए ओपन सोर्स तकनीक पर काम किया जाता है। भाषा व पाठ्यक्रमों का NCERT, CBSE व NCERT के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप से विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल शिक्षण में मोबाइल में दीक्षा ऐप का उपयोग करना। सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन को प्ले स्टोर से ओपन करते हैं। दीक्षा प्ले स्टोर से दीक्षा टाइप कर इसे सर्च करके इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद फ़ोन में यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से दी गई विभिन्न भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। हम अपनी भूमिका जैसे शिक्षक या विद्यार्थी विभाग उसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। उनसे दिए गए बोर्ड विकल्प पर क्लिक करके रिकॉर्ड का चयन कर सकते हैं। अब हमें माध्यम व कक्षा का चयन करना है। अब इस प्रकार का मुख्य पेज खुलता है जिसे बाईं ओर ऊपर से तीन रेखाएं को क्लिक करना है। अब हम इस प्रकार के बहुत सारे विकल्प दिखाई देते हैं जिसे अंतिम विकल्प लॉगिन का चयन करते हैं। हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम को लॉगिन करना है। अभी यह शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर ले जाता है। स्टाफ विंडो में ID पासवर्ड दिए गए कैप्चा से लॉगिन करना है। इस आइकन से हमारे द्वारा किए गए कोर्स या ट्रेनिंग्स को देख सकते हैं। यह आइकन पाठ्य पुस्तक QR कोड को स्कैन करने के लिए उपयोग है। इसके लिए शिक्षण सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो व पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। इस आइकन से हम डाउनलोड की फाइलों को देख सकते हैं। इस आइकन से हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। यदि आप इस ऐप को बंद करना चाहते हैं तो बैक बटन को क्लिक करके अनुमति मांगेगा हाँ या ना। दीक्षा ऐप उपयोगी है शिक्षण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खेल कूद के लिए, चिकित्सा के लिए। शिक्षक द्वारा दीक्षा ऐप पर लॉगिन किया जा सकता है। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, लॉगिन विद दीक्षा उपयुक्त दोनों विकल्पों द्वारा कोई नहीं। लॉगिन विद दीक्षा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, RSCERT द्वारा, भारत सरकार द्वारा। QR कोड का पूरा नाम क्या है? क्यूक रिस्पॉन्स।